अरे 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 रुको जरा ठहरो। इतकी घाई कशाला, टाइटल में एक्सपोज देखते डिसलाइक मारने की सोच रहे हो? अरे ठहरो तो सही, सोचो तो जरा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं किसी को एक्सपोज भी कर सकता हूँ? नहीं। अरे मैंने अगर किसी को एक्सपोज करने का भी सोचा तो सामने वाले की साला हंसी छूट जाएगी। लेकिन भाई फिर वो कौन है जो हर यूट्यूबर को एक्सपोज कर रहा है? अबे कर रहा नहीं, कर रही है। फालतूगिरी की अजीम फनकारा मलिका एक्सपोज, नूर नजर जेलीसी क्वीन मोहतरमा घायल जोन 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 जोन। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है घायल जोन, तो आप घा की जगह पे पा भी लगा सकते हो, समझ रहे हो? तो इनसे मिलिए, इनके चैनल का नाम है घायल जोन। अब चैनल के नाम में ही जोन है तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि वीडियो के अंदर गुड़गोबरी होने वाला है। गजब बेइज्जती है। नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिथपैट के बारे में। तो दोस्तों मिथपैट की सबसे पहली वीडियो मैंने वो वाली देखी थी जो कि उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे आई थी, जिसपे उन्होंने अपना सेटअप दिखाया था। मतलब जब मैंने ये वीडियो ट्रेंडिंग पे देखा, इसका थंबनेल और टाइटल देखा और मैंने देखा कि यार कोई व्यक्ति अपना सेटअप दिखा रहा है और ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई है यूट्यूब इंडिया पे, तो मैं चौंक गई। अरे क्यों दीदी, क्यों चौंक क्यों गए हो आप? आपने पक्का मिथपैट की वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे ही देखी थी ना, या गपल्ती से टाइट की एड में देख ली जो इतना चौंक रहे हो? मैंने कहा अगर कोई अपना सेटअप दिखा रहा है तो ये वीडियो ट्रेंडिंग पे कैसे आ सकती है, ये तो ट्रेंडिंग पे आने लायक ही नहीं है। क्योंकि कुछ अलग अगर आप करते हैं अपनी वीडियोस में है ना, तो अगर वो ट्रेंडिंग पे आती है तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई चलो वीडियो ट्रेंडिंग पे आई है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि एक बहुत नॉर्मल सा वीडियो जिसमें कोई अपना सेटअप दिखा रहा है वो वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई है, तो मैं थोड़ा सा चौंक गई। नहीं मतलब क्यों दीदी, यूट्यूब के ऐसे कौन से लॉ ऑफ मोशन में लिखा है कि सेटअप टूर वाली वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जा सकती? पहले आधे से ज्यादा ट्रेनिंग पे स्कैम के भरोसे चल रहा है और ऊपर से कभी कभार अगर अच्छे क्रिएटर्स की वीडियो ट्रेनिंग में आ जाए तो इनको तकलीफ होती है। फिर मुझे लगा कि यार जब YouTube इंडिया के ट्रेंडिंग पे कुछ बेकार सी वीडियोस आ सकती हैं कि भाई जो टोटके वगैरह होते हैं वो पहले बहुत ट्रेंडिंग पे आते थे, तो मुझे लगा कुछ ऐसा ही समय चल रहा है अभी दोबारा से कि इस तरीके की वीडियोस ट्रेंडिंग पे आने लगी है जिसपे कुछ होता नहीं है खास। सच में? मतलब सच में मिथपैट की वीडियोस को तुम टोटके वाले वीडियोस के साथ कंपेयर कर रहे हो? कमाल है, इस हिसाब से तो मेरे वीडियोस दीदी को बारिश के मौसम में ओवरफ्लो हो रहे गटर से भी ज्यादा गंदे लगेंगे। बिल्कुल। वैसे दीदी मिथपैट की वीडियो आपको क्यों नहीं पसंद? I mean, कोई रीजन तो होगा वीडियो ना पसंद करने का? इनकी कुछ वीडियोस देखी मैंने जिसमें ये मिमिक्री करते हैं, मैंने उनके शायद पुराने वाले चैनल पे देखी थी, मिथिलेश करके जो उनके चैनल का नाम था उस पे देखी थी, मिमिक्री बहुत ज्यादा अच्छे करते हैं। तो मेरे हिसाब से YouTube इंडिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड अगर कोई है तो वो यही होंगे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो सभी गेम्स को बहुत ज्यादा अच्छे से खेलते हैं। लोग इनके चैनल पे इनको देखने आते हैं कि आज कौन सा गेम है, कल कौन सा गेम था। YouTube इंडिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड अगर कोई है तो वो यही होंगे। जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। ये वही दीदी होती है जो स्कूटी चलाते वक्त साला लेफ्ट इंडिकेटर दिखा के राइट में घुस जाती है। नहीं मतलब क्यों, व्हाई, काय को, क्या क्या था क्या ये? अरे अगर वीडियो के बीच में राजा हरिश्चंद्र बन के तारीफ ही करनी थी तो शुरुआत में जग्गा डाकू बन के बुराई क्यों की बे? अरे भाई लगता है दीदी सार्केज्म खेल रही है, घंटे का सार्केज्म। इसे सार्केज्म नहीं, इसे कहते उल्टी पड़ी कुल्हाड़ी को सीधा करके उसके ऊपर पैर मारना, और एक बार नहीं बार बार मारते रहना। साला मजनू भी उदय से इतना नहीं जलता होगा जितना ये दीदी बड़े बड़े यूट्यूबर से जलती है। Expose. अरे दीदी माना की जाची जड़ते टालच करते पण तुम्ही स्वतःची जड़ूच कशाला देता? नहीं मतलब दीदी इतनी ज्यादा जेलसी लेके आप करोगे क्या? अरे एसिडिटी की जलन के लिए इनो ले सकते हैं लेकिन इस जलन का कोई इलाज नहीं है। All right, bro. काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे हु इज योर इंस्पिरेशन दी, आप मेरे को ये बता दीजिए, आपका आइडियल कौन है आप मेरे को ये बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे आए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा इंस्पिरेशन जो है वो है, उनका नाम है कैरी मिनाटी, आपको पता होगा उनके बारे में। तो वही मेरे सबसे ज्यादा, मतलब जो अगर यूट्यूब पे मेरे को कोई पसंद है तो वो कैरी मिनाटी ही है। ये है आम जिंदगी। दूसरी चीज मैं कैरी मिनाटी को बताना चाहूंगी कि अपनी वीडियोस में आके शुरुआत में दो गालियां देने से, बीच में दो गालियां देने से और लास्ट में चार गालियां देने से वो रोस्टिंग नहीं कहलाती है। सिर्फ गालियों देने का मतलब रोस्टिंग नहीं होता है, लेकिन कैरी मिनाटी यही समझते हैं कि किसी एक पर्सन को पकड़ लो, उसके खिलाफ हेट फैलाते रहो, उसके खिलाफ जो है ये है मेंटोस जिंदगी।
साला डीडीएलजे में शाहरुख के पलट पलट कहने पे जितना काजोल ने पलटी होगी ना, उससे कहीं ज्यादा तो ये दीदी पलट जाती है अपनी वीडियो में। अरे दीदी, सिक्के का काम सिक्के को करने दो ना, आप क्यों बार बार पलटी मारते हो? कि मेरा भी भाई एक अच्छा नाम हो जैसे कैरी मिनाटी का है। अरे यार क्या किया तूने? आपने सुना होगा कि बीस बॉय शुभ के बारे में थोड़े दिन पहले ये खबरें आ रही थी कि बीस बॉय शुभ का चैनल जो है वो हैक हो गया है, शुभम सर का चैनल हैक हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि शुभम सर का चैनल हैक नहीं हुआ था, शुभम ने सर ने अपना चैनल खुद हैक करवाया था। बीस्ट बॉय शुभ जिसके एक चैनल पे 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और दूसरे चैनल पे जिसका नाम है शुभ। वाह क्या मस्त नाम है ना, शुभ। सॉरी, और दूसरे चैनल पे जिसका नाम है शुभ उस पे 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और इस दीदी को लगता है कि इन्होंने अपने दोनों चैनल को दाव पे लगाकर खुद ही अपने चैनल को हैक करवाया, और वो भी क्यों? ऐसा हैक क्यों करवाया था उन्होंने? मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से एक अटेंशन लेने के लिए प्लानिंग की गई थी कि मैं ऐसा दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि मेरा चैनल हैक हो चुका है, और जब मेरे को सारा अटेंशन मिल जाएगा तो उसके बाद मैं बता दूंगा कि मेरा चैनल वापस आ गया है, रिकवर हो गया है। वाह क्या डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी वाला दिमाग लगाया है दीदी ने। नहीं मतलब जिसके दोनों चैनल्स के हर वीडियोस पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, वो बंदा अटेंशन पाने के लिए खुद का चैनल हैक करवाएगा। दीदी अटेंशन पाने के लिए वो नहीं, तुम कांड कर रही हो। हर बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर बिना लॉजिक वाले फालतू के एक्सपोज वीडियो बना के चंद व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन व्यूज से कहीं ज्यादा हेट मिलेगा। और ये जो तुम्हें हेट मिल रहा है ना, ये तुम्हें कोई जानबूझ के नहीं दे रहा है, तुम खुद ही आ बहन मुझे मार करके सेल्फ हेट रेट ले रही हो। देखो दीदी, माना कि आप यूट्यूब पे किसी को भी एक्सपोज क्रिटिसाइज या रोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। आप बिना प्रूफ के फालतू के किसी के ऊपर फेक एलिगेशन नहीं लगा सकते। ट्रिगर्ड इंसान ने जो है कुछ समय पहले असम और बिहार में जो बाढ़ आई थी उसके लिए एक लाइव स्ट्रीम किया था 24 घंटे का। उस लाइव स्ट्रीम में जो उनके पास पैसे इकट्ठे हुए थे वो थे 2,50,000 रुपए। मतलब 24 घंटे में एक इतने बड़े चैनल के पास जिसके पास मिलियन पे सब्सक्राइबर्स हैं, उसके पास पैसे इकट्ठे होते हैं 2,50,000 रुपए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 2,50,000 रुपए ऐसे यूट्यूबर को या ऐसे गेमर को इकट्ठे कर सकता है जिसके पास 10,000 से 20,000 सब्सक्राइबर्स हो। लगता है दीदी ने सच में पैसों को हाथ की मैल समझ लिया है। दीदी का कहना है कि 2 से 2.5 लाख की डोनेशन वो बंदा भी जमा कर सकता है जिसके चैनल के ऊपर 10 से 20,000 सब्सक्राइबर्स हो। तो दीदी अगर आप चैरिटी स्ट्रीम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग ही आपको डोनेट करेंगे। स्ट्रीम करते हो जितनी आपकी वॉचिंग आ रही है उसमें से मैक्स टू मैक्स 20 से 25% लोग ही ऐसे होते हैं जो आपको डोनेट करते हैं। और वो लोग रतन टाटा तो है नहीं जो बड़ी से बड़ी अमाउंट डोनेट करे, तो वो लोग अपने हिसाब से जितना बनता है उतना डोनेट करते हैं, और उसमें से भी 30% यूट्यूब रखता है। तो ऐसे में 2.5 लाख की डोनेशन जमा होनी भी बहुत बड़ी बात है। और उस बंदे को देख के तो मुझे लगता है कि उसके पास कोई पैसों की कमी है जो ऐसे स्कैम करता फिरेगा। नहीं मतलब सिर्फ बिना हाथ पैर किडनी लंग फेफड़े से बस इल्जाम लगाना है। अरे जनाची नहीं तर मनाची तो ठेवा। मतलब एक के बाद एक धड़ाधड़ हर एक यूट्यूबर के ऊपर बिना मतलब के एक्सपोज वीडियो बनाते जा रहे हो, और तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपोज वीडियो बनाएगा तो क्या होगा? बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मेरी वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों को बताना था, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपको भी कहूंगी कि आप सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक दीजिए अगर आपको अच्छी ये बात नहीं लग रही है तो। वाह दीदी वाह क्या बात है। नहीं मतलब तुम किसी को भी फालतू में एक्सपोज कर सकती हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें एक्सपोज करे तो उसको सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक मारती हो। नहीं ये तो वही बात हो गई कि थोड़ा एक्सपोज एक्सपोज साढ़ा एक्सपोज कुत्ता कुत्ता। देखो मैं मानता हूँ कि चैनल ग्रो करने के लिए हर कोई क्लिकबेट का सहारा लेता है, मैंने भी लिया है। मैं भी व्यूज पाने के लिए कभी कभी ट्रिगर इंसान का नाम टाइटल में डाल ही देता हूँ, और तुम भी व्यूज पाने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन दीदी तुम जो कर रही हो वो गलत है, ना तो वो क्रिटिसिज्म है ना ही वो रोस्ट है, तुम सीधा सीधा बिना मतलब के हेटरेट फैला रही हो। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? देखो मुझे ये भी पता है कि तुमने यूट्यूबर संजू के कुछ वीडियोस देख के ऐसे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन दीदी वो बंदा अलग है, उसके वीडियोस में सार्केजम होता है, उसकी वीडियोस से वो हेटरेट नहीं फैलाता, लेकिन तुम हो कि बिना फालतू के बस हेटरेट फैला रही हो। तो प्लीज दीदी ऐसा मत करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। बस दीदी जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट मारने से अच्छा अब एक बार अपने खुद की वीडियोस वापस से देख लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये तो टट्टी है। टट्टी तो है, वीडियो तो है टट्टी। चला अगली वीडियो में कहीं मुझे ही एक्सपोज ना कर दे। तो आपको इस दीदी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ प्लीज रिस्पेक्ट से अपनी मर्यादा में रहकर कोई गाली नहीं देगा प्लीज। ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। लेकिन जो कभी कभी मैं फालतू की हरकतें करके वीडियोस बनाती हूँ उनमें बहुत ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स मेरे को मिल जाते हैं, तो ये एक सच्चाई है।